जैसे हमारा टॉपिक है इसेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स, ये क्या होता है? इसमें हम सबसे पहले तो किसी भी पॉइंट की अभी हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी हो किसी भी वर्टेक्स की, पॉइंट हम वर्टेक्स को कहते हैं क्योंकि वर्टेक्स को ही पॉइंट से डिनोट करते हैं, किसी भी वर्टेक्स की हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी हो तो सबसे पहले उस वर्टेक्स का और सभी वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में जो उस ग्राफ में दिए गए हैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। जो भी डिस्टेंस हमारी मैक्सिमम आएंगी उस वर्टेक्स की किसी और वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में, वही हमारा क्या होगा, इंसेंसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। जैसे कि हमारा ये ग्राफ दे रखा है, ये फिगर ले लेते हैं हम 8.4। इसमें यदि हमें इंसेंसिटी ऑफ ए निकालनी है ए वर्टेक्स की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंसेंसिटी ए की विद रेस्पेक्ट टू हर वर्टेक्स निकालेंगे, सी के साथ भी, बी के साथ भी, डी के साथ भी, ई के साथ भी, एफ के साथ भी। तो सबसे पहले हम यदि डिस्टेंस ए कोमा बी की बात करें तो ए से बी पर जाने का रास्ता देखेंगे हम, शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पे एक ही पाथ है तो एक ही होगा। तो ए से बी पर जाने के लिए हमने जैसे ये यहाँ से यहाँ, तो कितने कितने हमारे एजिस यूज हुए, एक और दो, तो ये हो गई हमारी टू। ठीक, अब उसके बाद डिस्टेंस हम ए की निकालेंगे सी के साथ, ए की हमने जैसे सी के साथ निकाली, ए की एस से होकर जाना पड़ रहा है, तो हमारी इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, वन। ये हम नीचे देखते चलेंगे। इसी के साथ हमें डिस्टेंस ए कोमा डी निकालना है, तो ए से डी पर जाने का पाथ क्या होगा हमारा, एक तो ये जीए पड़ेगी, एक ए जीए पड़ेगी, तो ये हमारी हो गई टू। इसी तरीके डिस्टेंस बिटवीन ए कोमा ई निकालेंगे, तो ए से ई तक जाने का कौन सा रास्ता होगा, कितनी एजिस से गुजरना होगा हमें, एक दो और तीन, तो ये हमारी हो गई थ्री। इसी तरीके डिस्टेंस ओवा ए कोमा एफ निकालेंगे, डिस्टेंस को ए कोमा एफ निकालेंगे, एक दो तीन, ये भी हमारी तीन हो गई। तो इसमें जिस भी वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में ए की डिस्टेंस ज़्यादा होगी वही क्या मैक्सिमम हमें डिस्टेंस लेनी है, इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या होगी, इंसेंसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो किस किस के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आ रही है, एक तो ई के और एक एफ के, वो क्या है, थ्री। तो इसकी क्या इंसेंसिटी हो गई, इंसेंसिटी ऑफ ए क्या हो गई, थ्री। बेसिकली हमें करना क्या है, जिस भी पॉइंट की हमें इंसेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट का हमें फार्देस्ट पॉइंट यानी कि सबसे दूर वाला पॉइंट पकड़ के चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चेक ना करके, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे इसकी इंसेंसिटी ए और सी की, ए की सी और बी के साथ तो मैक्सिमम होगी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा डी के साथ मैक्सिमम हो सकती है, एफ या ई के साथ। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट की इंसेंसिटी निकालनी है, जैसे माने हमें इंसेंसिटी ऑफ एफ पूछे, तो इंसेंसिटी ऑफ एफ में हमें ई और डी का लेने का तो फायदा नहीं है क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, वो ये तो होगी नहीं। तो हम जो दूर वाले पॉइंट होंगे उन्हें ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो एफ के सबसे दूर हमें क्या दिख रहे हैं, कोशिश करेंगे हम एनालाइज कर पाए, तो हमें क्लियर दिख रहा है ए और बी होगा यहाँ पर, तो हम ए और बी की इंसेंसिटी निकाल लेंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री। इसी तरीके इंसेंसिटी ऑफ एफ भी हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हमें ई की निकालनी हो तो हम यहाँ पे निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, दो ही पड़ेंगी, डी में एक ही पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट बी और ए के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी मैक्सिमम आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इंसेंसिटी ऑफ अ ई। इसी तरीके से हर एक पॉइंट की, जिस भी पॉइंट की हमें इंसेंसिटी निकालनी है उसका सबसे दूर वाले कुछ वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनमें किसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, जो भी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आएगी वही क्या होगी, इंसेंसिटी ऑफ अ डैश पॉइंट। तो ये हमारा टॉपिक है इंसेंसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। अब जैसे इसी से रिलेटेड है हमारी सेंटर ऑफ अ ग्राफ, सेंटर ऑफ अ ग्राफ निकालना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम इसी ग्राफ का कोई सेंटर हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इस ग्राफ के हर एक पॉइंट की हमने इंसेंसिटी फाइंड आउट करी थी। इंसेंसिटी फाइंड आउट करने का तरीका हम समझ चुके हैं, जिस भी वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आएगी उस वर्टेक्स की, उसे हम कह देंगे इंसेंसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। जैसे हमने ए की निकाली थी उसी तरीके से हम बी की भी निकालेंगे हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जो मैक्सिमम आएगी वो हो जाएगी हमारी उसकी इंसेंसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। इसी तरीके से सी की निकाली थी तो हमारी बी की तो आ गई थी थ्री, सी की आई थी मैक्सिमम वाले जो वर्टेक्स की संख्या आई थी वो टू आई थी, तो सी की आई थी हमारी टू। इसी तरीके से डी की आई थी हमारी टू इंसेंसिटी, इसी तरीके से ई की इंसेंसिटी आई थी हमारी थ्री। निकालने का तरीका वही है जो हमारा ए का था।
यदि हर एक को एक्सप्लेन किया जाएगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। ई की जिसी तरीके से हमारी एफ की आएगी थ्री, तो हमें सेंटर ऑफ अ ग्राफ निकालना हो तो हमें करना क्या है, हर एक वर्टेक्स में सभी वर्टेक्स में जिस जिस वर्टेक्स की इंसेंसिटी मैक्स मिनिमम हो, मिनिमम इंसेंसिटी वाला वर्टेक्स क्या होता है, सेंटर ऑफ अ ग्राफ। अब तो हम इसमें देखें, ए की तो इंसेंसिटी थ्री थी, बी की भी थ्री थी, सी की टू थी, तो एक तो ये मिनिमम मिल गई हमें। हम देखेंगे क्या एक वन इंसेंसिटी वाला भी है, तो इसमें वन तो है ही नहीं कोई, लेकिन टू वाला एक हो रहा है, तो इसके सेंटर क्या आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, सी और डी, क्योंकि सी और डी की इंसेंसिटी इस वाले ग्राफ में सबसे कम है, तो इस ग्राफ का सेंटर क्या आ गया, सी कोमा डी। हमारा सेंटर हमारा एक या एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा यदि दो से कम किसी की एक आ जाती तो वो हमारा इकलौता सेंटर हो जाता, और यदि किसी दो की एक आ जाती तो वो दो सेंटर हो जाते, तो हमारे सेंटर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी ग्राफ का। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ अ ग्राफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं।